हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राव। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का जो डिस्कस करेंगे, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मौर्य डायनेस्टीज, मौर्य जो साम्राज्य था उसका किस प्रकार से उसको स्टेब्लिश किया गया, किस प्रकार के उसके जो एम्पायर हुए थे उनमें आपको मैंने एम्पायर के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उनमें किस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी मतलब नंद वंश पर अपनी विजय स्थापित की, किस प्रकार से उसने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था, उसी कड़ी में हम आज मौर्य डायनेस्टीज पढ़ने के बाद मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य ने अपना जो साम्राज्य स्थापित तो कर दिया, जो एम्पायर स्थापित किया उन्होंने, एस्टेब्लिश किया, उसको किस प्रकार से चलाया, उनका प्रशासन किस प्रकार से था, वो किस प्रकार से अपना शासन चलाते थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य प्रशासन जो मौर्य डायनेस्टीज का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आपको किसी भी कार्य करने के लिए आपको एक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो मौर्य प्रशासन था, जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें सबसे पहला आता है अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो केंद्रीकरणी प्रशासन, जो केंद्र की जो सत्ता होती थी उसका सीधा जो पावर होता था वो किंग, इसके हाथ में होती थी राजा, जो वहां का शासक होता था। मैंने आपको बताया मौर्य डायनेस्टीज के अंदर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, तो जैसे उस राजगद्दी जो उस एम्पायर का किंग होता था वो सारी जो सत्ता है, जो सारी पावर्स जो है अपने अधीन रखता था वो सारे। तो अब मौर्य के अंदर जिसमें जिक्र किया गया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसने 18 डिपार्टमेंट, लगभग 18 डिपार्टमेंट का जिक्र जो है आपके अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर उसके 18 डिपार्टमेंट 18 विभागों का जो जिक्र किया गया है उसमें उसके महामात्य होते थे, उस प्रकार से रक्षाध्यक्ष, सेनापति, इस प्रकार से उसने कई सारे जिक्र जो है उसमें दे रखे हैं, सेंट्रल में पुजारी हैं, इस प्रकार से अलग अलग उसने दे रखे हैं। तो अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनका मतलब राजा जो भी निर्णय होता था वो राजा को करना होता था, उसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य होता था जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उस टेंट के अंदर, भूभाग पर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो समाहर्ता द्वारा कलेक्ट किया जाता था। दूसरा आता है संविदाता, ये भी एक रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट था, जो वहां पे बिल्डिंग वगैरह है, ट्रेजरी वगैरह है, ये आता था मेन ट्रेजरीज के लिए, जो खजाने किस प्रकार से वहां इकट्ठे किए जाए, किस प्रकार का डिपार्टमेंट वहां बनाया जाए, ट्रेड है किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जाए, उन सब का जो है लेखा जोखा संविदाता, ट्रेजर्स खजानजी के हाथों होता था। ये मतलब सारा जो है अपने राज्य, जो इनका राज्य था उस राज्य का पूर्ण जो देख रेख करना, बिल्डिंग्स वगैरह हो, फॉरेस्ट हो, किसी प्रकार के जो डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट इनके साथ में इंक्लूड किए गए। उसके बाद अपना आता है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ का साम्राज्यिक जो प्रशासन था वो किस प्रकार चलाया जाता, तो शासकीय जो प्रशासन था वो किस प्रकार, तो वो भी इनमें महत्वपूर्ण बनाया गया। अशोक के समय 5 जो है रीजन्स थे, मगध था, मगध मेंशन किया गया है इसमें आपके, तो 16 महाजनपद, जब अपन 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें मगध अपन पढ़ते हैं, मगन था, तक्षशिला, उत्तरवर्ता, ये इसमें आप बन पढ़ते हैं, उज्जैनी है, कलिंगा है, मध्य देश है, ये कई सारे अपन इसमें प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अब वहां का जो नगरीय प्रशासन किस प्रकार से था, सारी अपन ने जानकारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ ली कि भाई वहां की जो सीधी जो सत्ता थी, पावर थी, वो राजा के पास होती थी, लेकिन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से था, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो, तो मेगस्थनीज, आपको पता है मेगस्थनीज ने जो है इंडिका की रचना की थी। आपको मैंने ये भी बताया है कि आचार्य चाणक्य जिन्होंने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की रचना की थी,
तो इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। तो उसने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बताया, उसमें लगभग 30 मेंबर्स को बताया था उसने। उसने इस प्रकार से बताया कि उनको जो है 30 मेंबर्स होते थे, उनको 6 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया होता, उनके जो है अलग अलग प्रकार से बनाए जाए, छह छह मेंबर्स, सिक्स सिक्स मेंबर्स के 5 ब्लॉक्स बनाए गए, प्रत्येक ब्लॉक में 6 पर्सन उसके साथ, वो किस प्रकार से अपना प्रशासन चला सकते हैं इस प्रकार से। तो उसमें जो है सबसे पहली जो कमेटी होती थी वो मॉनिटरिंग करती थी इंडस्ट्रीज, जो व्यापार है वो किस प्रकार से किया जाए इस प्रकार से। दूसरा जो कमेटी होती थी वो फॉरेनर्स, जो विदेशी जो गतिविधियां होती थी उन सब का जो है ध्यान रखा जाता था। थर्ड कमेटी होती थी तो वो जो है उनके कितने राज्य के अंदर बर्थ एंड डेथ्स, उनका रिकॉर्ड, जो जन्म और मृत्यु से संबंधित जो दस्तावेज है उनका ध्यान रखा जाता था। फोर्थ कमेटी व्यापार को बढ़ावा देती थी, वाणिज्य ट्रेड को किस प्रकार से निभाया जाए इस प्रकार से जो किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होती थी, एंड जो कमेटी थी वो इस प्रकार से कार्य करती थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर अपना आता है मिलिट्री सिस्टम, वहां की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो अब कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली जो एक समृद्ध राष्ट्र था, समृद्ध एम्पायर था, तो वहां की जो मिलिट्री व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी इकोनॉमिक्स में जो है वहां के प्रशासन को व्यवस्थित किया, तो कह देता है कि उसके अंदर जो मिलिट्री था, मिलिट्री के अंदर तो कई प्रकार के हाथी, सोल्जर्स, हॉर्स और कुछ जो है पैदल घुड़सवार भी थे। तो कही जाती है कि जो चंद्रगुप्त की जो सेना है लगभग 6 लाख के आसपास मानी जाती है, उसने 6 लाख सैनिकों के साथ माना पूरे भारत को जीत लिया था एक तरह से। तो अलग अलग, तो अब कई सारे घुड़सवार, जैसे बताया घुड़सवार, अनेक मतलब घुड़सवार है, हाथी है, इस प्रकार से उसकी सैन्य सेना भी जो है विशाल थी। एक ह्यूज ऑफ द सोल्जर्स, उसके पास भरपूर मात्रा में जो सैन्य शक्ति भी अपार थी। उसके बाद में अपन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्टर, मिलिट्री, जब उनका केंद्रीकरण इतना सशक्त था, सिटी प्रशासन जो नगर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इतना सुदृढ़ था, मिलिट्री व्यवस्था, उसके बाद उनका आता है अपना जुडिशियल सिस्टम, उनकी न्याय व्यवस्था जो है किस प्रकार से थी। तो जुडिशियल सिस्टम न्यायिक व्यवस्था, तो उसमें धर्म साहित्य और दूसरी है कंटक सोदर। तो धर्म साहित्य में इसमें इनके अमात्य वगैरह होते थे, अमात्य महामात्य जैसे पंडित वगैरह, वो किस प्रकार से न्याय करते। अगर कोई भी मान लिया जाए कि कोई गुनाह करता है, अगर कोई लूट है, चोरी इस प्रकार से वो करता है, तो उसको किस आधार पे जो है दंड दिया जाए, उन दंड संहिताओं का जो है धर्म साहित्य के अंदर जिक्र किया जाता था। फिर अपने को आता है उनका, इसमें आपके वायु पुराण, इस प्रकार से अनेक प्रकार से काफी प्रकार की दंड संहिताओं का जिक्र किया गया है, उन अमात्यों के अंदर दंड नायिकों में अलग अलग श्रेणी में रखा। फिर आता है कंटक शोधन, कंटक शोधन के अंदर ये जो है आपके कोर्ट्स होते थे, अब जो है जिसने गुनाह किया उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता था, और किस प्रकार का निर्णय करना है, वो जो पुरोहित होते थे या जो भी अमात्य महामात्य, उनका मतलब किस प्रकार का एक दंड का विधान है, उस दंड विधान के अनुसार जो है कंटक शोधन द्वारा जो है उनको दंडित किया जाता था। फिर अपना लास्ट टॉपिक है मौर्य सोसाइटी, जो मौर्य साम्राज्य समुदाय जो किस प्रकार से था। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर आपको बताया है कि जो चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार, अशोक, इन्होंने अपनी यात्राओं के वृतांत को, अपनी विजयों के लक्ष्य को किस प्रकार से उड़ाए, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उन सबको जो है रॉक्स के माध्यम से, शिलालेख है वगैरह है, इन सब के माध्यम से जो है उत्कीर्ण करवाया। उन्होंने अपनी विजयों को बताया, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था, किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया, बिंदुसार भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा, अशोक जिन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, पूरे भारत को अपना विजयी बना दिया था, उनका काफी क्षेत्र इधर अफगानिस्तान, कर्नाटका, पश्चिम,
काठियावाड़ काफी लंबा वर्चस्व इन्होंने बनाया। बाद में जो है मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद में भी कई सारे शासक मौर्य साम्राज्य में आए और उन्होंने शक्तिशाली चलाया, लेकिन आगे की निरंतर जो 15 ईयर्स लगभग 50 वर्षों बाद जो है मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया था। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम एम्परर होता है वो बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ की हत्या जो है उसी का पुरोहित होता है पुष्यमित्र सोम, उसने वो कर देता है, तो मौर्य साम्राज्य इसी के साथ समाप्त होता है। तो इसी प्रकार जो है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी, तो अब इसको हम डिटेल में जानने के लिए बुक के माध्यम से रीडिंग करेंगे। तो अब हमने डिस्कस किया था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसको अपन डीप में जो है रीडिंग करते हैं, गहराई में अपन अध्ययन करते हैं उसका। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो मौर्य प्रशासन था वो किस प्रकार से था। ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो भारत के अंदर पहली बार मौर्य साम्राज्य में फर्स्ट टाइम जो है केंद्रीकरण हुआ गवर्नमेंट का। ड्यूरिंग मौर्य पीरियड डिस्पाइट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ किंग, और जो केंद्रीकरण के अंदर सेंट्रलाइजेशन में जो पावर्स जो किंग राजा के हाथों में थी, ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक। कौटिल्या हैज डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, उसने जो है कौटिल्य ने मेंशन किया था, उसने 7 तत्व बताए थे राजा कि जो केंद्रीयकरण सत्ता हो उसमें राजा होना चाहिए, अमात्या, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एंड मित्र। इन जो 7 तत्वों के माध्यम से 7 कंपोनेंट्स जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखते हैं होने आवश्यक। द किंग ऑफ किंग यूज्ड अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रिस्ट आफ्टर डिग्री चेकिंग देयर कैरेक्टर ऑफ एंड बैकग्राउंड, दिस प्रोसेस इज नाउ उपदा परीक्षण। और ये जो अब उनके मंत्री और पुजारी होते थे उनके व्यवहार को जानने के लिए, उनका बैकग्राउंड जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता था, जो प्रक्रिया थी उसको उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता। दीज पीपल यूज्ड ऑफ डिग्निफाइड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ए पार्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देर आल्सो पर्सिया मंत्रणा विच आल्सो फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल होता था वो उसमें मंत्रणा करते थे किस प्रकार के अपने को निर्णय लेने हैं, तो अपना जो है उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 18 डिपार्टमेंट कॉल्ड, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने 18 विभाग बताए, 18 डिपार्टमेंट। तृतीया हैव बीन मेंशन द अर्थशास्त्र, जिसका जिक्र जो है अर्थशास्त्र के अंदर किया गया है तीर्थ का, इसको 18 विभाग थे उनको अलग को तीर्थ कहा गया और उसका जिक्र जो है अर्थशास्त्र में। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस तीर्थ नाउ एम महामात्य, और ये जो तीर्थ थे इनके अध्यक्ष को जो है महामात्य कहा गया, मिनिस्टर को मंत्री, पृष्ठ जो होते पुरोहित जो है कमांडर सेनापति को प्रिंस, युवराज वर मोस्ट इंपोर्टेंट तीर्थ, और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे। समाहर्ता, समाहर्ता हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज कलेक्ट रेवेन्यू, कीप रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर एनुअल बजट, और ये समाहर्ता होता था इसकी जिम्मेवारी होती थी कलेक्ट रेवेन्यू जो है कर इकट्ठा करना और उसकी जो इनकम है उसके रिकॉर्ड रखना, एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ, किस प्रकार का जो वार्षिक बजट प्रिपेयर किया जाए, ये सब जो है समाहर्ता किया जाता। सनिधाता ये होता ट्रेजर जो खजांची, ही वाज रेस्पॉन्सिबल बिल्डिंग ट्रेजरी एंड ग्रेनरीज इन वॉरियर्स पार्ट ऑफ किंगडम, 26 डिपार्टमेंट हैड बीन मेंशन इन द अर्थशास्त्र विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष ट्रेजरी, तो इसके जो है 26 डिपार्टमेंट का जिक्र जो है अर्थशास्त्र में किया गया है, इसमें कोषाध्यक्ष होता था ट्रेजरी, फिर सीधाध्यक्ष एग्रीकल्चर, पांडे अध्यक्ष ट्रेड जो व्यापार का होता था, श्रोत्रा अध्यक्ष टॉलरिंग्स एंड वेविंग्स, लूणा अध्यक्ष, फिर आता है विविता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष इश्यूइंग ऑफ करेंसी जो मुद्रा जारी करते, मुद्रा अध्यक्ष, पुत्वा अध्यक्ष, बंदरगाह अध्यक्ष, अत्विका हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा, युक्तोक्ष एंड उपयुक्तोक्ष वर लोअर लेवल एम्प्लॉय अंडर द कंट्रोल ऑफ महामात्या एंड हेड, और ये जो कई सारे कर्मचारी होते थे इनका जो हेड होता था वो महामात्या होता था। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन,
इन अशोका रीजन फाइव प्रोविनेंस ऑफ मगध किंगडम हैव बीन मेंशन दीज इंक्लूड उत्तरपत तक्षशिला अवंती शास्त्र उज्जैनी कलिंगा ओसिल दक्षिण पट सुरवण नगरी एंड मध्य देश पाटलिपुत्र प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय रॉयल ऑफिसर नेम्ड कुमार एंड आर्यपुत्र द प्रोविजन वर डिवाइडेड इंटू विषय विच यूज अंडर द कंट्रोल विषयपति सदनिक वाज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ह्यूज बाय अंडर कंट्रोल समाहर्ता गोप जिसे गोप भी कहा जाता था गोप गांव का मुखिया होता था स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यूज बाय हैंडल एडमिनिस्ट्रेट 10 विलेज ये 10 गांव के ऊपर होता था एंड ऑफिसर्स कॉल्ड बाय प्रदेश त्री यूज फंक्शन अंडर समाहर्ता एंड यूज मॉनिटर ऑफ वर्किंग साधनिक गोप विलेज ऑफिसर्स सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वहां का जो नगर प्रशासन किस प्रकार था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज के अनुसार सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको जो है 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी और उसको जो है डिवाइड किया गया था 6 कमिटीज में 5 मेंबर प्रत्येक 6 कमिटी बनाई गई उनके अंदर जो है 5 मेंबर्स थे प्रत्येक कमेटी का द फर्स्ट कमेटी वाज रेस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड आर्बिटर तो पहली जो थी वो उद्योग की गतिविधियों को देखती थी सेकेंड लुक आफ्टर फॉरेनर्स सेकेंड जो है विदेशी गतिविधियां पे थर्ड कमेटी केप्ट रिकॉर्ड एंड बर्थ ऑफ डेथ फोर्थ वाज रेस्पॉन्सिबल ट्रेड एंड कॉमर्स फिफ्थ कमेटी यूज मॉनिटर सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड सिक्स्थ कमेटी वुड कलेक्ट एंड टेंथ वन टेंथ ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स जो ये है कर लेना है किस प्रकार के उनके मृत्यु और जन्म के दस्तावेज रखना है इन जो अलग अलग कमेटियों को जो अलग अलग भार या जिम्मा सौंपा गया था मिलिट्री सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइज द आर्मी देयर वाज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वाज डिवाइड इंटू सिक्स कमेटी कंसिस्टिंग फाइव मेंबर इन ईच कमेटी दीज कमेटी लोक आफ्टर द फाइव डिपार्टमेंट आर्मी विच इंक्लूड पैदल इन्फेंट्री अश्व कैवलरी हाथी सोल्जर ऑफ एलिफेंट ऑन एलिफेंट रथ एंड नॉवल फोर्स मिलिट्री अफेयर्स वर मॉनिटर्ड बाय अंतपाल ही वाज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डरिंग रीजन अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका अब आपको पता है कि मेगास्थनीज की पुक थी जो इंडिका मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी इंडिका की और चाणक्य ने किसकी की थी अर्थशास्त्र की तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की इस प्रकार की सेना का जिक्र किया उसने बताया कि अराउंड 6 लाख सोल्जर्स ऑन 50,000 हॉर्समैन 9,000 एलिफेंट एंड 800 चैरिटी लगभग 6 लाख जो सैनिक थे उसके पास 50,000 हाथी 9,000 50,000 घोड़े और घुड़सवार 9,000 हाथी और 800 से लगभग ज्यादा जो है रथ के फिर वहां के जुडिशियल सिस्टम तो जुडिशियल सिस्टम द एम्पायर यूज बाय सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम विलेज कोर्ट प्रेजेंट द लोअर लेवल इन विच ग्रामीणी एंड ग्राम वर्दा यूज बाय प्रोविजन जजमेंट संग्रहण द्रोणमुखी वर द कोर्ट ऑफ लोकल एंड जनपद लेवल रिस्पेक्टिवली अबोव ऑल द सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र अपार्ट फ्रॉम ग्रामीण संग्रह एंड किंग कोर्ट ऑल द कोर्ट वर टू टाइप तो उस समय जो जिस प्रकार की न्यायिक पद्धति थी जुडिशियल सिस्टम था उसमें जो है शासक निर्णय करता था शासक सुप्रीम जो पावर होती थी वो जुडिशियल सिस्टम की जो है किंग के हाथों में होती थी उसी शासक में वही जो है किस प्रकार से निर्णय करना होता था सेंट्रल कोर्ट होता था पाटलिपुत्र के अंदर वो उसमें तो उसी में दो प्रकार के कोर्ट्स बताए गए हैं पहला है धर्म साहित्य वर द वर्क ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट ऑफ दीज कोर्ट वाज इन द हैंड ऑफ थ्री धर्मशास्त्र वो वाज द एक्सपर्ट ऑफ रिलीजियन उसमें जो है महत्वपूर्ण धार्मिक जो एक्सपर्ट होते थे स्क्रिप्चर ऑफ व्यवहारिक एंड थ्री अमात्या धर्म साहित्य यूज द टाइप ऑफ सिविल कोर्ट ये जो है सिविल कोर्ट था केस ऑफ द एसोसिएट विद द लेफ्ट रॉबरी एंड लूट आल्सो नाउ ए सन्स वर प्लेस्ड इन फ्रंट धर्मशास्त्रीय कोर्ट केस असाइनेड विद द एब्यूजिंग डेफिमेशन बीटिंग एक्स्ट्रा वर आल्सो ब्राउट इन द हिज कोर्ट विच वर कॉल्ड बाई वाक परस्यो एंड दंड परस्यो तो उसमें जो है इस प्रकार के जो है दंड का जिक्र किया गया था पनिशमेंट का जिक्र किया गया किस प्रकार से जो व्यवहारिक अमात्याज होते थे उस धर्म साहित्य के अंदर उनको सजा का प्रावधान किया गया
फिर है कंटेक्स्ट ऑफ दीज वर क्रिमिनल कोर्ट थ्री प्रदर्शित एंड थ्री अमात्या यूज जज डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कंकरेंट पर्सन एंड द सीसी सिटी मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्या एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉल्ड बाय रिजुक अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर वर फोर मेन पार्ट ऑफ लॉ और चाणक्य के अनुसार जो चार महत्वपूर्ण पार्ट बताए गए हैं कानून के धर्म रिलीजियन व्यवहार बिहेवियर चरित्र करेक्टर और शासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो मौर्य सोसाइटी किस प्रकार थी मौर्य साम्राज्य वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल सिस्टम इन मौर्य पीरियड थ्रू टेक्स्ट सच एज तो जो अपने को मौर्य जो काल था उसके अंदर जो सोशल सिस्टम किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली थी उसके बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड मैगजीन इंडिका के माध्यम से पता चलता है और अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं जो शिलालेख हैं उनके माध्यम से कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम वर्णाश्रम थे फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक संगठन थी कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन अबाउट द ऑक्यूपेशन दीज फोर वर्ण कास्ट और उसने जो है चार अलग अलग कास्टों में बांटा था जैसे आपको पता ही है क्षत्रिय है वैश्य है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपार्ट फ्रॉम दीज फोर वर्ण कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन सर्वल इन द सच एज ए निषाद पाशव और उसी प्रकार जो है अलग अलग बांटा गया खस्त वैदिक सूत चंडाल एक्स्ट्रा मैगजीन डिवाइडेड इंटू भारतीय सोसाइटी इन सेवन कास्ट ऑफ इंडिका इंक्लूड दार्शनिक फिलोसोफर किसान कारीगर शिल्पी क्राफ्टमैन स्कल्पचर सैनिक सोल्जर निरीक्षक इंस्पेक्टर सभासद तो इस प्रकार से जो है उनका जिक्र किया गया।